एंजेलिना जॉली, बताइए जब हमारे पास कंप्लीट पैकेज मौजूद है जो आज हरगिज अपडेटेड नहीं हुआ है, तो हम क्यों कर किसी गैर की तरफ देखेंगे जो कि जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता है? हम उनको देखेंगे जिनको अल्लाह पसंद करता है, उनके पास आज के दौर में फिट होने वाले सारे पॉइंट्स मौजूद हैं और उस दौर के भी। तो हमको ऐसा बनना है, कंप्लीट पैकेज कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन कि हम जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी गेन करेंगे, लेकिन कुरान को नहीं छोड़ देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को उससे गाफिल नहीं हो जाएंगे, बल्कि इस कॉम्बिनेशन में आने की जरूरत है जिसकी बहुत कमी है, बहुत कमी है। हम भी मास्टर करते हैं, सबसे पहले हम अपना हिजाब उतार के रख देते हैं और फिर ऐसे स्टाइल्स बना लेते हैं कि औरत और मर्द में कोई फर्क ही ना जाए ना जाए। जब बच्चे बाहर से पढ़ कर आते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बच्चे हैं, तो लोग पूछते हैं आपका बेटा कौन सा और बेटी कौन सी। तो ये गेटअप हम अपना लेते हैं। कोई लड़के लोग को देखिए पोनीटेल बनाए हैं और इयर रिंग पहने हैं, और लड़कियों को देखिए कि बिल्कुल लड़के के गेटअप में है, वॉक कट हेयर है, बिल्कुल पता ही नहीं चलती कि लड़कियां स्वेटर वगैरह पहन रहे थे बिल्कुल ही। ये हाल है। अल्लामा अकबाल ने कहा, जिस इल्म की तासीर से जन्म होती है ना जन्म, कहते हैं उसे इल्म को अरबाब नजर मौत। इल्म का ये मतलब लेना और उससे अपने को बिल्कुल अपनी पहचान खो देना, वो हमारे लिए तरक्की का बाइस नहीं है, वे ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मौत और हलाकत का बाइस है। ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी कितनी सी है, थोड़ी सी है, मर कर जाएंगे, अल्लाह को क्या हम दिखाएंगे, और इत्मीनान रखिए यहाँ पर भी उसके नुकसान उठाते हैं। अगर हम इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं तो उसके नुकसान यहाँ पर भी उठाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत का ये आलम था कि इतनी ज्यादा सदकात में माहिर थी कि जो कुछ होता सब अल्लाह की राह में दे डालती। एक मरतबा कहीं से 9 या 11 खजूरे हदिया में आई, मुस्तदरक और हाकिम की रिवायत में मिलता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद भूखी थी, नहीं खाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था तशरीफ लाए। जब रसूलुल्लाह ने उसको तनावुल फरमा दिया तो पूछा, आयशा तुमने खाया? तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे लिए अल्लाह की रजा काफ़ी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलाल होता है, आयशा तुम्हें खा लेना चाहिए था। तो कहती है, अल्लाह के रसूल ने खा लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, सब्र की अजर दे अल्लाह उनको। और तो उसके बाद कहती हैं, या रसूलुल्लाह मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि मैं जन्नत में भी आपकी बीवी बनूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो साबिरा बन जाओ, कल के लिए सामान्य खुराक ना रखो, जितना जरूरत से ज्यादा सब दे डालो अल्लाह की राह में। इस ताकीद पर उन्होंने ऐसा अमल किया कि अल्लाह का हक अदा कर दिया। मिसालें बहुत सारी हैं, लेकर बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। एक मामूली सी मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उनके भांजे भी हैं, उन्होंने 1,00,000 दिरहम उनको भेजा, और उनको बहुत परेशानी रहती थी कि खाला परेशानी से रहती हैं। तो 1,00,000 दिरहम जब उनके पास आया, उन्होंने एक दिन में उनके सामने खड़े खड़े एक दिन में 1,00,000 दिरहम पूरा सदका कर दिया। और जब उनकी खादिमा कहती है, उस दिन रोजे से थी, जब खादिमा कहती है कि उम्मुल मोमिनीन, जरा अगर हम लोग शाम के लिए थोड़ा बचा लेते और इफ्तार के लिए गोश्त आ जाता तो कितना अच्छा रहता, तो कहती है तो याद दिला दिया होता। सोचिए जरा कि रोजे की हालत में है, इफ्तार के लिए कुछ नहीं था, 1,00,000 दिरहम का हदिया आता है और उसको फौरन सदका कर देना, और ये भी ना सोचना कि शाम को खाएंगे क्या। हमसे हो सकेगा, कोशिश करेंगे तो हो सकेगा इंशाल्लाह। ऐसे हम अभी नहीं है ये मानते हैं, अभी नहीं है, लेकिन कोशिश करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी दौलत आती है तो सबसे पहले सोचते हैं इसकी अच्छी वाली इयरिंग खरीदेंगे, और इसका हम स्पेक्स इतना महंगा वाला ले लेंगे, और क्या करेंगे, ये सूटिंग वो शर्टिंग खरीद के हम पूरा लड़का बन के तैयार हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, सारी अपनी शौक की चीज़ें पहले बनाने की कोशिश करते हैं,
था, किसी ने मांग लिया तो चलो दे दिया। जब अल्लाह की नजर में इतना आला बनना है तो इतना आला हमें किरदार और अखलाक पेश करना होगा। और याद कीजिए हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत मरियम अलैहा सलाम, उनकी सब्र, हजरत मरियम की कितनी बड़ी आजमाइश थी। ये वो खातून है जिनका कुरान में नाम से जिक्र है, वाहिद खातून, सिंगल लेडी, जिनका नाम है कुरान मजीद में, कोई दूसरी औरत का नाम नहीं है सिवाय हजरत मरियम का, और किसी दूसरी खातून का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। उनको कितना अल्लाह ने आजमाया और कितनी बड़ी सब्र की आजमाइश डाल दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 और 43 में, वकालत अल मलाइकातु, फरिश्ते कहते हैं कि वकालत अल मलाइकातु या मरियम, फरिश्तों ने कहा ए मरियम, इन्नल्लाह इस्तफाकी वतहिराकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, ए मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहां की औरतों में खास कर लिया है, चुन लिया है। और ए मरियम अपने रब की फरमाबरदारी करो और उसके आगे सजदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया। अब सवाल ये किस बात के लिए चुन लिया, मोटे तौर पर आप सभी जानती हैं क्या फरमाया सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 44 में, आयत नंबर 45 में फरमाया कि ए मरियम, फरिश्तों ने कहा या मरियम, इन्नल्लाह युबशिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, ए मरियम अल्लाह ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक कलमे की, इस्मु मसीह मसीहुल मसीह इब्न मरियम, इस्मु ईसा ईसा मसीह इब्न मरियम, तुमको एक कलमे खुशखबरी दी है, एक बेटा जो कि जिसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा और वो दुनिया में खास लोगों में से होगा और आखिरत में सालिहीन में से होगा। तो हजरत मरियम कैसी है अभी, क्या सारी उम्र वो कुंवारी है और उनका निकाह नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फर्म ले लिया उनसे, फरमाते अल्लाह ताला कि तुमको चुन लिया गया है और तुमको एक बेटा होगा और उसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा और कोई भी मर्द ने उनको नहीं छुआ है। तो वो जवाब क्या देते हैं जो वो कोई भी दे सकता था कि लिखा हुआ है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 47 में फरमाती हैं कि ए रब मुझे कैसे क्यों कर बेटा होगा, बोला कि हम सस में बशर, किसी बशर ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तो जवाब आया कि इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है और जब भी किसी काम का इरादा करता है तो कहता है फइन्नमा यकूनु लहु कुन फयकून, बस वो कह देता है हो जा और वो हो जाता है। अब अल्लाह ताला को अपनी कुदरत का एक नमूना दिखाना है कि अल्लाह ताला के लिए ये जरूरी नहीं है कि मर्द और औरत दोनों के नुतफे मिले तभी एक बच्चा पैदा हो सके। अल्लाह को अपनी कुदरत का नमूना दिखाना है कि बगैर मर्द के भी अल्लाह ताला पैदा करने पर कादिर है। अब उसके लिए एक खातून का सिलेक्शन होता है और उस खातून पर इतनी बड़ी आजमाइश डाल दी जाती है कि अब आपके आपको बेटा होगा। अब आप सोचिए कि वो सब्र की कितनी बड़ी आजमाइश है। जाहिर है समाज में रह रही हैं और क्या क्या सुनना पड़ेगा और क्या क्या बोहतान लगेंगे। आज भी यहूद जूस आज भी उनको नापाक कहते हैं, माउदल्ला तुम्हें माउदल्ला, उनको गलत मानते हैं। तो उन्होंने वो सब कुछ झेला, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की समाज में कारक उन्होंने सही और उस उनके हमल को प्रेगनेंसी को सबसे पहले एक नेक शख्स जिसका नाम यूसुफ नजार था उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने सवाल किया ए मरियम क्या बिना बीज के खेती हो सकती है। तो हजरत मरियम जवाब कर देती हैं क्यों नहीं, जब अल्लाह ताला ने पहली खेती कैसे की होगी। तो फरमाया कि ए मरियम क्या बगैर पानी के पौधे उग सकते हैं। तो हजरत मरियम ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने पहला पौधा कैसे निकाला होगा। तो कहा कि क्या बिना वालिद के बच्चा पैदा हो सकता है। तो हजरत मरियम कहती क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को बगैर मर्द और औरत के पैदा किया। तो अब टॉपिक पे पॉइंट पे आ ही जाते हैं।
तुम्हारा क्या मामला है अम्मा? तो वो बताती हैं, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है और मुझे खास किया है और एक बेटा होगा जिसका नाम मसीह इब्न मरियम होगा है और मुझे खास किया है और एक बेटा होगा जिसका नाम मसीह इब्न मरियम होगा। और वो फौरन उस बात पर ईमान ले आते हैं। उसके बाद जब उनको दर्द से यानी लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो अपने पूरे बस्ती से निकलकर जंगल में चली जाती हैं, क्योंकि किस कदर सताया जा रहा था उनको, कितने बोहतान लगाए जा रहे थे उन पर। बस्ती से निकलकर जंगल में चली जाती हैं। जंगल की तन्हाई, भूख, प्यास, लेबर पेन, ये सब कुछ एक साथ अपने रब को पुकारती हैं और अल्लाह ताला जवाब देता है। सूरह मरियम में लिखा हुआ है, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 24 से 26 तक, कि जब हजरत मरियम ने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तहज़नी, गम ना करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़ कर हिलाओ तुम पर पक्की खजूरें गिरेंगी। फकुली वशरबी वकर्री ऐना, बस खाओ और पियो और अपनी आंखों पर ठंडी रखो। तो हजरत मरियम के लिए अल्लाह ताला ने सारा इंतजाम कर दिया और वहीं पर उनकी डिलीवरी होती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर गोद में अपनी माँ की पाक दामनी बयान करते हैं। वो सब आपको मालूम है। पॉइंट जो हम आपके जहन में डालना चाह रहे हैं वो ये है कि अल्लाह ताला किस तरह किसी को आजमाने के लिए एक औरत को सेलेक्ट कर लेता है और वो औरत लबैक कहती है और तमाम समाज से लड़ती है सिर्फ अपने रब की रजा के लिए। तो फिर क्यों ना अल्लाह ताला उसको खास करके उस पर अपने इनामात और इकराम रखे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि हजरत मरियम के खालू हैं, वो जब भी उजरे में जाते तो देखते उनके पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है। कौन सा? कि बेमौसम के फ्रूट। आजकल तुम्हारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और प्रिजर्व करने की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बगैर मौसम के फल मिल जाते हैं, लेकिन उस जमाने में नहीं थी। तो बगैर मौसम के फल और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड रखा हुआ था। तो हजरत ज़करिया को एक क्यूरियोसिटी हुई जानने की, और ये बात दर्ज है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 में, कि जब भी ज़करिया हुजरे में जाते तो वहां पर खाना रखा हुआ पाते। तो उन्होंने हजरत मरियम से पूछा कि ये कहां से तुम्हारे पास आता है, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आता है? तो हजरत मरियम जवाब देती हैं कि ये हमारे मेरे पास मेरे रब की तरफ से आता है और अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रोजी देता है। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का पता चलता है तो उनके अंदर एक जज्बा थे, ख्वाहिश थी, एक दबी हुई ख्वाहिश की उनको औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि किस बावरकत मकाम पर क्यों ना दुआ कर ली जाए, और उसी मकाम पर दुआ करते हैं जो कि लिखी हुई है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में, रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउल दुआ। फरमाते हैं, ऐ रब मुझे अता कर अपनी तरफ से एक पाक लड़का, बेशक तो दुआओं को सुनने वाला है। और वो दुआ ग्रांट हो जाती है, फौरन कबूल हो जाती है और हजरत यहया की खुशखबरी उनको मिलती है। तो ये हजरत यहया वो हैं जो जिनके वालिद बूढ़े हैं, जिनकी माँ बांझ है, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत यहया हजरत ज़करिया को अता किया और उनको भी नबी बनाया। ये किसकी बरकत से? वो हजरत मरियम की हुजरे में दुआ की थी, ये खातून की बरकत से, एक औरत की बरकत से। अब आप समझ लीजिए कि एक औरत क्या नहीं हो सकती। तो हमें इस बात की होड़ होनी चाहिए कि हम अपने रब के नजर में बेहतर बने, अच्छे बने, और वो कैसे बनना है उसकी कोशिश करें। कुरान मजीद में देखें कि अल्लाह ताला ने किन औरतों को पसंद किया है। कुरान मजीद के जरिए से हम अपनी प्रायोरिटीज तय करें। और कुरान मजीद में एक खातून की अल्लाह ताला ने तारीफ की है, वो बहुत सरकश इंसान की बीवी थी। नाम बताइए फिरौन की बीवी का? आसिया। अमल करात में बहने बहुत उम्दा करत पेश की और वो आयत भी उसमें मौजूद थी जो हम आपके सामने तिलावत करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी हजरत आसिया की तारीफ की है क्योंकि वो एक इंतहाई सरकश, नाफरमान और परले दर्जे की काफिर की बीवी थी। और फिरौन की सरकशी का जिक्र कुरान मजीद में बार बार है।
से, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11। हजरत आसिया दुआ करती हैं कि ऐ रब मुझे अपने पास से जन्नत में एक घर दे, वनजनी मिन फिरौन व अमली, और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे, वनजनी मिन कौम मिन कौम ज़ालिमीन, और इस जालिम कौम से मुझे निजात दे। अब देखिए, एक बादशाह से निजात मांग रही है और अपने रब से दुआ कर रही है कि जन्नत में मुझे एक घर दे, तो क्यों ना अल्लाह ताला उसका जिक्र कुरान मजीद में करे, क्यों ना कुरान में ऐसी खातून की तारीफ की जाए जो एक सरकश नाफरमान के घर में है फिर भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा है, और वो उसकी दौलत से मरूब होकर नहीं दुनिया में दुनिया की मौज मस्ती में खोई हुई है, बल्कि वो जन्नत में घर जाती है और यहाँ की दौलत को उसने ठुकरा दिया है। हमें से कई खवातीन अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो लेडीज जो मैरिड हैं उनमें से कई तो अपने बहुत सारे गुनाहों का पूरा बोझ अपने शौहर को दे देती हैं, उनको बता देती हैं उनकी वजह से है क्या। अरे आप तो इतने आपके शौहर इतने कोऑपरेटिव हैं, तब आप ऐसी हैं या वैसा करी, हमारे जैसे मिलते तो पता चलता। यानी फैशन उनको करना है, पार्लर में उनको जाना है, सारी चीजें उनको करनी है, और कहीं शोहर कहता है, और अगर हिजाब नहीं लेना है तो कहीं शोहर मना करता है, और जितना भी अल्लाह की नाफरमानी करना होगा उसमें से अक्सर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के ऊपर डाल देंगी, मेरा शोहर अच्छा है। अगर इतना जालिम शोहर आपको मिलता तो आपको पता चलता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर बहुत कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो औरतों के शोहर कोऑपरेटिव जरा सा नहीं होते तो वो फौरन कह देती हैं मेरे शोहर ऐसे हैं इसलिए अमल मुश्किल होता है। कहीं अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उनके सामने ये दलील ना पेश कर दे, जब कहेंगे मेरे शोहर मेरी मदद नहीं करता था, मुझे कुछ करने नहीं देता था, मुझे दीन की खिदमत नहीं करने देता था, और मुझे नमाज और इताअत से रोकता था, तो अल्लाह ताला कहीं आसिया की मिसाल ना पेश कर दे और अल्लाह अज़मत पेश करेगा, यार तुम्हारा शोहर फिरौन से ज्यादा जालिम था। तब क्या जवाब देंगे वो औरतें जो अभी अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रही हैं नाम लगा के शोहर का। यानी आज़ाद आसिया से ये साबित होता है कि इंसान जो करना चाहता है वो कर लेता है। अल्लाह की फरमा बरदारी करना है तो ऐसे ऐसे घर में, ऐसे सरकश शोहर के घर में भी रह के अल्लाह की फरमा बरदार हो सकती है एक औरत, और जिसको नहीं करना है अल्लाह की फरमा बरदारी और चाहे इधर उधर किसको भी जिम्मेदार ठहराते रहे तो उसे आखिरत उसको खुद जवाब देना पड़ जाएगा। तो ये थी हजरत आसिया जिनकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तारीफ की है। और भी तारीफ में बहुत सारी खवातीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहररात, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे 387 अहदीस मरवी हैं सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। वो भी बहुत इल्म वाली खातून थी, नहायत दीप इल्म था उनको, और उनकी क़िरात कुरान मजीद की बहुत उम्दा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात से मुशाबहत रखती थी। कई उलमा को उन्होंने भी तालीम दी है, और नहायत ताबिरा खातून थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हज़रत अबू सलमा के निकाह में थी तो उस वक्त हिजरत की तकालीफ बर्दाश्त की, उनको अलग कर दिया गया, उनके शोहर को अलग कर दिया गया, उनके बच्चे को अलग कर दिया गया, एक साल तक रोती रही, फिर अगले साल जाके उनके शोहर से दोबारा मुलाकात हुई है, और अपने शोहर हज़रत अबू सलमा ने बहुत मोहब्बत करती थी, और हज़रत अबू सलमा कहते थे कि तुमको अल्लाह ताला मुझसे बेहतर मेरे बाद मुझसे बेहतर देगा, तो कहती थी अबू सलमा से बेहतर क्या हो सकता है। और जब हज़रत अबू सलमा की वफ़ात हो जाती है 3 हिजरी में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आ जाती हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है कि इस तमाम इंसानों में सबसे बेहतर है। तो ये हज़रत उम्मे सलमा का किरदार था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। हज़रत ज़ैनब बिन्त हज़्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी साद बहन थी, उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही के जरिए होता है, कुरान की आयत के जरिए, सूरह अहज़ाब में उसका जिक्र है। और उनके निकाह के मौके पर ही हिजाब की आयत नाजिल हुई है, उनके निकाह के मौके पर ही वो लड़का जो एडॉप्टेड चाइल्ड है